पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरा पहला सवाल जाता है मनोज यादव जी को। मनोज यादव जी जब जीत ही रहे हैं तो ईवीएम को क्यों कोस रहे हैं? अच्छा जुम करो। ये कांग्रेस पार्टी आपके साथ उतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रख पा रही जितना अखिलेश जी को है? अखिलेश जी जो कह रहे हैं एक थी बीजेपी, ये भारतीय जनता पार्टी का आगे से डेफिनेशन हो जाएगा, तो ये कांग्रेस पार्टी इतनी डरी क्यों हुई है? रोज ईवीएम का एक नया बहाना क्यों खड़ा कर देती है? रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। थोड़ी मर्यादा रखिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर वही सवाल। हर चुनाव के 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जाना, भाई ईवीएम हटा दो, 100% वीवीपैट कर दो। 2019 में भी यही माइंड गेम था, अब भी यही माइंड गेम है, ऐसा क्यों है यादव जी? चलिए शुरू करते हैं। आपको नमस्कार, आपके पैनल में बैठे सभी साथियों को नमस्कार। लगभग 2.5 महीने के बाद पूरा जमीनी दौरा करने के बाद जहाँ जहाँ भी मौका मिला वहाँ जा काम करके आज मैं आपके सामने रूबरू हूँ, और ये बड़ी हर्ष की बात है और मुझे भी बड़ी खुशी हुई। लेकिन जो जनता में मैं देख के आया हूँ उस पे ये 28,000 वोट का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी हर सीट पे लाखों वोट से हारने जा रही है। अगर बेमानी भी की होगी, मैं मान लेता हूँ की होगी, तो निश्चित तौर पर वो बेमानी भी काम नहीं आएगी। समझ रहे हो आप? ये गड़बड़े बाबा। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब हम स्लिप करते हैं तो हमें पकड़ने के लिए कोई एक पेड़ का ठूट भी नहीं मिलता जिससे हम अपने आप को रोक सकें। लेकिन नाविका जी, मुझे उस चुनाव आयोग को जिसको मैं अब तक दिव्यांग कहता था, उसको आज मैं उत्तर प्रदेश की भाषा में एक बड़ा अच्छा शब्द मैंने ईजाद किया है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इस देश की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं को लुल्ल बना दिया है। लवणेन भोज्यम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये नया शब्द है, लुल्ल बना दिया है, कि वो आंकड़े प्रस्तुत करने में 10 दिन लगा रही हैं। तो इसका मतलब या तो कोई ओपीएम जैसा नशा करवाते हैं, या तो उनपे कोई कनपट्टी पे गन रख देते हैं कि जैसा हम कहेंगे वैसा आप करना। लेकिन एक बात और भी मैं आपको बता दूं जो आपके दर्शक सुनना चाहते हैं। अगर किसी तरीके की चुनाव आयोग ने हेरा फेरी की या कोई इस तरह का काम किया तो जनता बैठी है क्रांति करने के मूड में, क्योंकि मैं जनता में जो खुशबू सूंघ के आया हूं वो परिवर्तन की है, बदलाव करने की है। और अगर जनता बदलाव करना चाहती है तो कोई इलेक्शन कमीशन, कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री, उसकी कोई ताकत नहीं है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में भारत की ताकत भारत की जनता है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मनोज यादव जी, संवैधानिक संस्थाओं के लिए जो आपके शब्द हैं, मुझे लगता है इन शब्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए। ओ अच्छा। और मैं ये भी पूछूंगी, ये वोटर टर्नआउट का ऐप आपके पास है या नहीं? अगर आपके पास ये वोटर टर्नआउट का ऐप है तो इसमें आपको रियल टाइम में सारे अपडेट होने वाली चीजें दिख जाएंगी, लेकिन आपको पढ़ने लिखने से तो मतलब है नहीं, नंबर देखने से मतलब है नहीं, आपको सिर्फ लोगों के मन में कहीं ना कहीं डाउट पैदा करना है। और आप कह रहे हैं फिर जब चुनाव हो जाएंगे, अगर हम हारेंगे तो जनता जो है जो करना चाहेगी करेगी, कोई संस्था फिर कोई मायने नहीं रखती। बल्कि मैं तो कहूंगी कि आप ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि देश में अराजकता फैले। अभी बदत है। देखिए, अगर नाविका जी कोई ऐप है कहीं पे आंकड़े हैं और आप चाहती हैं या देश जानना चाहता है और जान सकता है, तो ये चुनाव आयोग को जो मैंने शब्द कहा है वो गलत थोड़ी नहीं कहा, बिल्कुल सही मैंने कह दिया। तो उसको 11 दिन क्यों लग रहे हैं भैया? या कोई नशा वसा कर देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में नशे का चलन भी बहुत तगड़ा है। अब तो बोरे में पकड़ी जाने लगी है, वो पता नहीं क्या चिलम उलम टाइप का नशा होता है। तो चुनाव आयोग को कौन सी आपने बूटी सुंघा दी है जो 11 दिन लग जाते हैं? इस पे अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो आप क्यों प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गए? चुनाव आयोग के आपके मामू का है क्या? खत्म।